इनिशियल पिकअप गाड़ी की काफी अच्छी लग रही है मेरे को, एंड परफॉर्मेंस वाइज भी स्मूथ है पिकअप। एंड सेकंड गियर में भी काफी प्यार से उठ रही है गाड़ी। तो ओवरऑल दिस कार हैज अ ग्रेट लो एंड, और रोड्स में मुझे काफी कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। एंड अभी स्पीड ब्रेकर भी आया है, सो आई डोंट फील कि मुझे अनकंफर्टेबल हुआ स्पीड ब्रेकर पे। एंड खासकर अगर पीछे वालों की बात करें जाए तो उन्हें बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं होगा ड्यू टू दिस सॉफ्ट सस्पेंशन। दे विल नॉट से कि हमें चोट लगी है या हमें झटका लगा है। सो इनिशियल इंप्रेशंस ऑफ द परफॉर्मेंस इज गुड। सो एंड लो एंड की बात की जाए तो पेट्रोल गाड़ी है तो लो एंड काफी अच्छा मिलने वाला है, लेकिन अगर मिड रेंज पे बात करें तो मिड रेंज परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी फ्लैट। एंड ब्रेकिंग की बात करें तो यस, ब्रेक्स भी अच्छी स्टॉपिंग पावर प्रोवाइड करते हैं। इसमें आगे दो टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। थोड़ा सा भगा के देखते हैं तो कैसा लगता है। As I said, mid range में performance flat हो जाती है and this is clearly evident कि गाड़ी अब feel नहीं करवाएगी, कि इतना ज़्यादा enthusiastic भी नहीं लगेगा performance यहाँ पे, especially in mid range। Low end पे performance was good, but मिड रेंज में परफॉर्मेंस फ्लैट हो जाती है एंड परफॉर्मेंस इज नाउ क्वाइट एवरेज। जैसा कि मैंने बोला था, परफॉर्मेंस ना तो ज्यादा अच्छी है ना ही ज्यादा बुरी है। द सिचुएशन अप्लाइज हियर ओनली कि मिड रेंज में कोई खास आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाली है, और अब एक रेड लाइट आने वाली है तो यहाँ पे हम ब्रेकिंग पावर की भी बात कर लेंगे अच्छे से। ब्रेकिंग इज ऑल्सो गुड। तो सिटी में अगर अब इसकी हम माइलेज के बारे में बात करेंगे तो आई एम नॉट हैप्पी विद द माइलेज ऑफ दिस कार सिंस डे वन। मुझे ये गाड़ी सिटी में केवल 7 या 8 का ही एवरेज दे रही है। यू माइट बी शॉक कि 1.2 लीटर का एक इंजन जो कि हैचबैक भी यूज हो रहा है वो इतना कम कैसे एवरेज दे रहा है, जबकि टाटा की और कार्स माइलेज नहीं दे रही है। तो दोस्तों, हो सकता है ये मेरी पर्टिकुलर मशीन में दिक्कत हो ये, लेकिन इन सिटी मुझे सिर्फ 7 से 8 का एवरेज मिल रहा है। एंड हाईवे में एवरेज की बात करें तो केवल मुझे 12 to 13 का ही एवरेज मिल रहा है। अब मैं मिड रेंज में पुल करने की कोशिश करूँ देन इट डजंट प्रोवाइड मी एनी फील कि हाँ ये भागना चाहती है गाड़ी। परफॉर्मेंस थोड़ी सी फ्लैट हो गई है मिड रेंज में। यहाँ पे अगर मैं अपशिफ्ट कर दूँ ना तो मुझे काफी स्लगिश लगेगी परफॉर्मेंस। फिर अगर मैं ऊपर चढ़ते वक्त अगर मैं यहाँ पे अपशिफ्ट कर देता हूँ तो मुझे थर्ड पे ही रखना पड़ रहा है इसको, गाड़ी को थर्ड गियर पे ही चढ़ानी पड़ रही है एट द स्पीड ऑफ 60 ताकि ये गाड़ी चढ़ जाए अच्छे से, वरना मिड रेंज में कोई अच्छी पावर नहीं है इस गाड़ी में। बाकी स्मूथ ड्राइविंग है जो कि एक प्लस पॉइंट है। अगर आप ड्राइविंग एंथुसियास्ट के पर्पस से देखना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली नहीं, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा इसे। अगर आप फैमिली पर्पस के लिए, अगर आप तीन परिवार के साथ, अगर आपके घर में 3 फैमिली मेंबर्स हैं और आपको ऐसी हैचबैक गाड़ी चाहिए, डेफिनेटली आप जा सकते हैं। करेंटली आई एम ऑन द फ्लाईओवर, गाड़ी अभी भी मैंने थर्ड गियर पे ही रखी है। इट्स पुट इट टू स्पोर्ट मोड। ओह वाओ, स्पोर्ट मोड में इट्स ग्लाइडिंग, लिटरली स्पोर्ट मोड में इट्स ग्लाइडिंग यार, ऑसम परफॉर्मेंस निकल के आती है असली इसकी स्पोर्ट मोड पे।
सिटी में अगर आप एक नॉर्मल ड्राइव करना चाहते हैं और ब्रेक्स अच्छे चाहते हैं देन ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है, ब्रेकिंग पावर काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करती है ये, और हाईवे में भी इसके ब्रेकिंग लगाने में कोई ड्रामे नहीं है अगर आप इमरजेंसी ब्रेकिंग लगाना चाहें तो। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे भाई, अभी मैं बता देता हूँ। ओवरऑल सिटी में मिड रेंज में अगर आप चलाना चाहते हैं गाड़ी को, मिड रेंज में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रहने वाली। इनिशियली पिकअप में आपको काफ़ी अच्छी लगेगी ये गाड़ी, क्योंकि पेट्रोल एज अ पेट्रोल कार इसमें आपको लो एंड टॉर्क काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, बट मिड रेंज में जब आप ऊपर जाते हैं या फिर आप 3000 RPM पे या फिर 3500 RPM पे अगर आप क्रूज करना चाहते हो तो ये गाड़ी उतना अच्छा आउटपुट नहीं देगी जितना आप एक पेट्रोल कार से एक्सपेक्ट करना चाहते हैं। सो इस गाड़ी में एक तो माइलेज आपको अच्छी नहीं मिलेगी अगर आप ये सेकेंड हैंड मार्केट में लेना चाहेंगे एज इन अ पेट्रोल वेरिएंट। डीजल वेरिएंट आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू, पेट्रोल से काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस देने वाली है, बेहतर एवरेज देने वाली है। सो ओवरऑल अगर आप इसको डीजल में सेकेंड हैंड में देखना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली गो। पेट्रोल में अगर आप ड्राइविंग एंथुसियास्ट के पर्पज से देखना चाहते हैं स्पेशली ये कार, देन डेफिनेटली आप डीजल की तरफ ही जाइए। इस गाड़ी में भली परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है बट एक अलग सी फील आ रही है कि हाँ मुझे मज़ा आ रहा है इस गाड़ी को सामान चलाने में, क्योंकि इसका स्टेयरिंग जो है ना, बिकॉज प्लस पॉइंट इज इसका स्टेयरिंग व्हील जो कि काफी इजी है मनोवर करने में सिटी में, इट्स लिटरली इजी एज कम्पेयर टू अदर हैचबैक्स जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। एंड इसके क्विक गियर शिफ्ट्स भी मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं। बाकी आपके पास अगर टाटा बोल्ट है तो जरूर कमेंट पे अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। चाहिए तो भाई आप फोर्थ गियर पे अभी तो नहीं डाल सकते, परफॉर्मेंस मिलेगा आपको इसकी स्पोर्ट मोड में ही, वरना आप बस नॉर्मल क्रूज करते रहिए इस गाड़ी के साथ, मजा आता रहेगा आपको। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ये मेरा पहला मोटो व्लॉग भी निकला है, एक और एक नया ट्राई था कि मैं मोटो व्लॉग करूं, और आपको मेरी गाड़ी पसंद आई है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू।